स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है एलईडी एडिट 2014 के ऊपर। बहुत सारे लोगों का एक डाउट आ रहा है, कॉमन सा बहुत ज़्यादा ही डाउट आ रहा है कि उनका जो है एलईडी एडिट काम करना बंद कर दिया है। पिछले 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाला था, तो मैंने आपको बताया था कि आप जो है डेट चेंज करके वो आप एलईडी एडिट का प्रोग्राम चला सकते हैं। लेकिन हुआ क्या कि हम लोगों का कंप्यूटर, जिनका भी कंप्यूटर अपडेट होता रहता है, तो उन समय ये प्रॉब्लम आ गया। जो अपने कंप्यूटर को, लैपटॉप को अपडेट नहीं कर रहे हैं, तो उनके साथ तो प्रॉब्लम नहीं आया है, लेकिन जिन्होंने अपडेट किया उनके साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है कि उनका काम करना ही बिल्कुल बंद कर दिया। और वहाँ पर लिखा रहा है क्लास नॉट रजिस्टर्ड। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि विंडोज़ जो नया अपडेट आया उसमें से एडोब फ्लैश प्लेयर का जो भी डेटा बचा हुआ था उस सारे चीज़ों को डिलीट करके हटा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये अप्रैल महीना है, 2021 है, और यहाँ पे जो है हमारा फ्लैश प्लेयर चल रहा है। ये इसलिए चल रहा है क्योंकि हमने अलग से कुछ फ्लैश प्लेयर, जिसको बोलते जुगाड़ू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके फिर ये काम में आ रहा है। तो सबसे पहले जो मैं बता दूं कि ये अभी जो फर्स्ट वाला जो मैं बता रहा हूँ कि जुगार, ये आपको उस कंप्यूटर में काम करेगा जिसमें कि ओरिजिनल विंडोज है। विंडोज अपडेट करने के बाद प्रॉब्लम आ रहा है क्लास नॉट रजिस्टर्ड का। ठीक है, तो उनको क्या करना है, वेबसाइट पर जाना है आपको, हमारी वेबसाइट पर। ठीक है, वेबसाइट का नाम तो आप जानते ही होंगे, कोसी इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से चैनल है, तो ज़रूर कोसी इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से ही वेबसाइट होगा। और वहाँ पे जाना है अगर आप सॉफ्टवेयर सेक्शन में, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो हमारा सॉफ्टवेयर सेक्शन में ही मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एलईडी एडिट 2014-19 एलईडीजी, जो भी आपको डाउनलोड करना है कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कुछ हमारा कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम्स के भी आ रहे हैं ठीक है, और कुछ ऑनलाइन पेड कोर्स के भी आ रहे हैं। तो जिनको भी लर्निंग करना है, सीखना है, हमारे साथ क्वेश्चन आंसर करना है, तो वो पेड प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। जिनको फ्री में सीखना है तो इस पे क्लिक करके फ्री वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है एडोबी फ्लैश प्लेयर इंस्टॉल करने वाले हैं, तो इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे डाउनलोड तब होगा जब आप इस पे रजिस्टर्ड होंगे। रजिस्टर्ड मतलब आपका मेल आईडी, आप हमारे पुराने कस्टमर हैं तो आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा, तो वो डाल करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपका अपना नाम कुछ भी रख लीजिए और ईमेल आईडी डालना है। आपको एक ईमेल मिल जाएगा और ईमेल में आपको पासवर्ड आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लॉगिन पे जाते हैं। मैंने ऑलरेडी अपना क्रिएट कर रखा है, मैं अपना यूजर नेम डाल दूँगा। तो मैंने लॉगिन कर लिया है और यहाँ पे जाना है सॉफ्टवेयर सेक्शन में। ठीक है, सॉफ्टवेयर सेक्शन में लॉगिन करने के बाद आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसा कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है, 42 MB का फाइल है। इस फाइल को आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, इस फाइल को डाउनलोड पे क्लिक करके, डाउनलोड एनीवे पे करके डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए आपका डाउनलोड का ये चालू हो गया है। तो यहाँ पे देखिए फोल्डर आपको कुछ इस टाइप का मिलेगा। आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हियर पे जाना है और जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट करते हैं तो आपको एक ये सॉफ्टवेयर मिल रहा है, एक ये, तो आपको पहले ये इंस्टॉल करना है। ठीक है,
फर्स्ट वाला इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको सेकंड वाले पे क्लिक करना है। ठीक है, ये करने के बाद आपको अपने कंट्रोल पैनल को चेक करना है, तो आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो ऐप आपको दिख जाएगा। कंट्रोल पैनल में मैं इंस्टॉल प्रोग्राम में चेक करता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए एडोबी फ्लैश प्लेयर ये आ गया है। इसके बाद जो है अगर आप एलईडी एडिट ओपन करेंगे तो आपका जो है फ्लैश प्लेयर ऑन हो जाएगा और जो है आपके सारे इफ़ेक्ट जैसे मेरे में चल रहे हैं इस टाइप से चलने लगेंगे। जिनके सिस्टम में जो प्रॉब्लम है या विंडोज 7 है उनका कंप्यूटर अपडेट नहीं है और वो अपने आप को वो करना चाहते हैं कि वो डेट बैक में नहीं जाके सेम डेट में जैसे मैं चला रहा हूँ उस टाइप का चलाना चाहते हैं, तो उन उसके लिए उनको क्या करना होगा कि एलईडी एडिट को पहले अनइंस्टॉल करना होगा पूरा, ठीक है। उसके बाद फिर से आप एलईडी एडिट नया वाला इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, और एडोबी फ्लैश प्लेयर का भी डेटा आपको अनइंस्टॉल करना होगा, ठीक है। तो फ्लैश प्लेयर कहाँ से अनइंस्टॉल करेंगे, तो सी ड्राइव में जा कर के प्रोग्राम 86 और जहाँ से भी आपको एडोबी का फ्लैश प्लेयर का डेटा मिलेगा वहाँ आपको डिलीट करना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका ये काम हो जाएगा।